वेलकम बैक। राज्य शिक्षण विभाग की सातमा पगार पंचने अमलवारी में गंभीर बेदरकारी जोवा मळी। बेदरकारी ने कारण केटलाक प्रोफेसर्स ना पगार वधवाने बदले 25-30 हजार घटी गयो छे, जे खूब ज आश्चर्य पमाड़े तेवी वात गणाय छे। देश में प्रथमवार आवुं बन्युं छे जेमां उच्चतर पगार धोरण आपता पगार वधवाने बदले घटी गयो होय। आ मामले ग्रांटेड कॉलेज में फरज बजावता अने पीएचडी करावता प्रोफेसर्से अनेक वक्त रजूआत करी पण कोई उकेल नथी आव्यो। जे अध्यापक महामंडळ द्वारा आज आखा गुजरात नी तमाम यूनिवर्सिटी ना घटक मंडळो साथे आवनार समय में अमारा जे बधा प्रश्नों छे ए प्रश्नों नी चर्चा करवा माटे आज अमे एकठा थया हता। अमे खूब गहन चर्चा करीने सरकार हकारात्मक होवा छता अमारा केम प्रश्नों उकेलाता नथी ए प्रश्नों अंगे अमे आज चर्चा करी छे। हजू पण सरकारनी साथे अमे अमारू आंदोलन शुरू करता पहला चर्चाओं करवाना छे। छेल्ला 5 वर्ष थी राज्य सरकार ने गुजरात राज्य अध्यापक मंडल द्वारा जे ते रजूआतों करवामां आवी रही छे अने सरकार तरफ थी हजू सुधी कोई प्रश्ननो उकेल लावामां आव्यो नथी, त्यारे राज्यना तमाम अध्यापकों में आक्रोश जोवा मळी रह्यो छे। नवसारी में वधता कोरोना केस ने लई विजलपुर नगरपालिकाए निर्णय लीधो छे। पालिकाए एक दिवस माटे शाक मार्केट बंद राखवानो निर्णय कर्यो छे। साफ सफाई अने सेनेटाइज करवा माटे शाकभाजी वेचता वेपारीओने बंद राखवा सूचना अपाई हती। मार्केट बंद राखवानी सूचना मोड़ी रात्रे अपाता केटलाक वेपारीओने सूचना मळी नहोती, जेथी मोटा भागना वेपारीओ वेचाण अर्थे मार्केटमां आव्या हता, तेमज नाना वेपारीओने पण नुकसान वेठवुं पड्युं हतुं। जे बाद वेपारीओनी मांग छे कि एक दिवस पहेला सूचना आपवामां आवे। द्वारका में लग्न प्रसंग में फायरिंग नो वीडियो वायरल थयो। बे व्यक्तिओ फायरिंग करता वीडियो में कैद थया। वीडियो खंभाड़िया नो होवानी चर्चा छे। राजकरमा दरमियान हवा में फायरिंग करायु हतुं, जो के वीडियो क्यारनो छे ते अंगे न्यूज़ गुजराती कोई पुष्टि नथी करतुं। राजकोटना धोराजीमां सतत बीजा दिवसे नाइट कर्फ्यूनी कड़क अमलवारी जोवा मळी रही छे। धोराजी तालुकामां 56 कोरोना पॉजिटिव केस नोंधाया छे, त्यारे धोराजी पोलीस द्वारा सतत बीजा दिवसे चुस्त बंदोबस्त साथे सघन पेट्रोलिंग करवामां आवी रह्युं छे। धोराजी शहेरना सरदार चौक, गैलेक्सी चौक, जूनागढ़ रोड, मेन बजार अने धोराजीना मुख्य मार्गो पर चुस्त पोलीस बंदोबस्त जोवा मळी रह्यो छे। राजकोट जिल्लानी वात करीए तो धोराजी अने जेतपुर जे रीते कोरोना वधी रह्यो तेने लईने आज बीजे दिवसे जे नाइट कर्फ्यू छे तेनो अमल करवा माटे कड़क बंदोबस्त आज गोठवामां आव्यो छे। आपने ज्यां दृश्य बताव्यो छे जूनागढ़ फाटकना दृश्य छे अने अत्यारे जे ते ठेर ठेर चेकपोस्ट लगाववामां आव्या छे अने रातना 10 वाग्याथी सवार 6 वाग्या सुधीना कर्फ्यू कड़कपणे अमल करवामां आव्यो छे। અને બીજી તરફ વાત કરું કે ધોરાજીના અંદરમાં કોઈ બહાર નીકળે, કોઈ બહાર નીકળતા હોય તો તેને લોકોને પૂરેપૂરી પૂછકાછ કરવામાં આવે છે અને વાત કરવામાં આવે કે ધોરાજીના અંદરમાં જે રીતે કોરોના વધી રહ્યો છે તેને લઈને અત્યારે પોલીસ ચુસ્તભરે બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યું છે અને આપ જોઈ શકો છો, આપને દ્રશ્યો બતાવીશ કે ચેકપોસ્ટ ઠેર ઠેર ચેકપોસ્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે અને ધોરાજીના અંદરમાં કોઈ ઘરેથી બહાર નીકળે, કામ વગરનો બહાર નીકળે તેને પૂરેપૂરી ચેતવણી આપવામાં આવે છે અને જે રીતે કોરોના વધી રહ્યો ધોરાજીમાં તેને લઈને ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। મુના બગાડી ન્યૂઝ એટલે ગુજરાતી ધોરાજી। તો અમદાવાદમાં છેલ્લા 5 દિવસની સરખામણીમાં કોરોનાના કેસની રફતાર ધીમી પડી રહી છે, છતાં પણ લોકોમાં હજી કોરોનાનો ભય દેખાઈ રહ્યો છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ટેસ્ટિંગ ડોમ પર ભીડ યથાવત છે। પ્રભાત ચોક વિસ્તારમાં આવેલા ટેસ્ટિંગ માટે ડોમ પર મોટી લાઇન લાગેલી છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના વધુ 16 હજારથી વધુ કેસ નોંધાયા છે અને મૃત્યુનો આંકડો 19 પર પહોંચ્યો છે। છેલ્લા 5 દિવસની સરખામણીમાં રાજ્યમાં કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, જો કે જે દર્દીઓ જે છે કે તેઓના મોતના આંકમાં જે છે તે વધારો નોંધાયો છે। તેમ છતાં અમદાવાદના જે છે અલગ અલગ વિસ્તારમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જે ડોમ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે કે ત્યાં કેટલાક વિસ્તારોમાં જે છે કોરોના ટેસ્ટિંગમાં લાઇન હજુ પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં જે છે તે 16 હજારથી પણ વધુ જે છે તે કેસ નોંધાયા છે અને જે દર્દીઓ જે છે કોરોના દર્દીઓ કે તેઓને મોતનો આંક જે છે તે 19 પાર પહોંચ્યો છે, ત્યારે હજુ પણ કોરોનાનો ડર જે છે તે લોકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન અમિત શર્મા સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ।
अमदावाद शहरनी 500 हॉस्पिटलों पर बंद थवानी तलवार लटकी रही छे। कॉर्पोरेशन बीयू परमिशन फरजियात करशे तो मार्च 2022 मां 2000 हॉस्पिटल्स नो रजिस्ट्रेशन रिन्यू थशे, जेमांथी 440 हॉस्पिटल्स पासे बीयू परमिशन नथी अने केटलीक हॉस्पिटल्स बीयू नो उल्लंघन करीने चाली रही छे। तो प्रधानमंत्री मोदी हाल बाढ़ पुरस्कार विजेताओं साथे संवाद कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी थे आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। अच्छा ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? सर इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग खासकर हम बच्चे पूरी तरीके से हताश हो गए थे तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था पठन किया था परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बाल्मुखी रामायण 250 छंदों में लिखी ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं तो पेशेंस ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है, देवनान किए विनती जब हरि जन में माँ धरती पर तब दशरथ के घर उत्सव आया अवधपुरी में उल्लास था छाया अवध राज के चार दुलारे राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे चारों कुमार अवध के प्राण धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया, रामायण में वो कौन सा पात्र है कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आप आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? सर ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी तो पुरस्कार विजेता